स्टूडेंट्स, दिस इज अमर कुमार एंड आई एम वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आस्क मी। इन माय लास्ट वीडियो आई हैड गिवन यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉल्ट। सॉल्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, है ना, ये सारी चीजों के विषय में मैंने आपको जानकारी दिया था। एंड दैट वॉज द सिक्स्थ पार्ट ऑफ द वीडियो रिलेटेड टू द चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट फ्रॉम क्लास 10 केमिस्ट्री। And today I am here, as you can see, this is the seventh part of the video I am giving from this chapter, from NCERT book, Acid, Basic, Salts of Class 10 Chemistry. So let's start now, student. Today's topic is, as you can see here, is common salt, okay? Whose chemical formula is NaCl, okay? Sodium chloride. How we can get the sodium chloride? First of all, you can see here, preparation is, when we react NaOH, yani ki sodium hydroxide ko jab hum log HCl ke saath react karwate hain, to hume as a result, hai na, sodium chloride milta hai, yani ki sodium chloride is formed after getting the reaction between the sodium hydroxide and hydrochloric acid. It means what? It means that the sodium chloride is gained after the reaction between the sodium hydroxide and hydrochloric acid, which plus we also get water, H2O. ठीक है? तो ये आपको मैंने जैसे पहले भी बताया था कि whenever acid and a base react with each other, it gets as a result of salt and water, and that would be a which type of reaction? इसे किस तरह के रिएक्शन कहेंगे हम लोग? ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बतलाएंगे तो विच टाइप ऑफ रिएक्शन वी कैन से व्हेन एन एसिड एंड एन बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर टू गेट सोडियम क्लोराइड और यू कैन से द कॉमन सॉल्ट। प्रॉपर्टीज क्या है? अब इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, सोडियम क्लोराइड की मदद से हम क्या कर सकते हैं? तो जब सोडियम क्लोराइड को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं। और ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो हैं, वो आगे चल करके बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट मीन्स में। ठीक है, यहाँ एक चीज देखिएगा कि ये इक्वेशंस को मैंने बैलेंस नहीं किया है। ठीक है, चलिए इसे बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले यस, नाउ यू कैन से यस, नाउ इट इज बैलेंस्ड। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा कि मैंने आप लोगों को जब फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ाया था, तो चैप्टर नेम वाज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। उसमें मैंने बताया था कि सपोज दैट देयर इज एन एनी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन है और वो बैलेंस्ड नहीं है, तो उसे हम किस तरह के इक्वेशंस में काउंट करेंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना होगा। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं यूजेस, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, है ना, कॉमन सॉल्ट का हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, कैसे इसको यूज में ला सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज यूज्ड एज डेली फूड। कॉमन सॉल्ट का हम अपने डेली लाइफ में फूड के रूप में, मतलब कि भोजन में आप लोग नमक यूज करते हैं, रसोई में नमक का उपयोग जब होता है, ठीक है, तो दिस इज व्हाट द कॉमन सॉल्ट वी कैन यूज, इसको हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट भी कह सकते हैं। और इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? 7। मैंने पीएच और पीएच वैल्यू से रिलेटेड भी आपको पहले भी वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो कॉमन सॉल्ट का पीएच वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट? 7। यस, इट इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर, आपको याद करना होगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड वन इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। अब प्रिजर्वेटिव्स के रूप में हम लोग कॉमन सॉल्ट का उपयोग कहां और कैसे कर सकते हैं? आप सभी ने अचार खाया होगा, ठीक है, आपकी मम्मी, आपकी दादी माँ, है ना, घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अचार घर में जरूर लगाते हैं, तो उस अचार में नमक का उपयोग किया जाता है। अब नमक का उपयोग क्यों किया जाता है, ये परंपरागत रूप से ट्रेडिशनली जो है वो काफी प्राचीन समय से होता आया है कि ये नमक जो है वो एक प्रिजर्वेटिव के रूप में उपयोग
किए गए हैं, नमक हो गए है ना, हल्दी हो गए, और भी दूसरे स्पाइसेस हैं जिसका उपयोग किया जाता है प्रिजर्वेटिव्स के रूप में उपयोग करने में। आपने मूवीज भी देखा होगा ममीज का, ठीक है, इजिप्ट से रिलेटेड, और ममीज का भी जो फॉर्मेशन होता था, ठीक है, उसमें भी सॉल्ट का उपयोग और कई अदर दूसरे स्पाइसेस के, टर्मरिक्स के उपयोग किए जाते थे, ठीक है। ऐसे अभी आप लोगों को नहीं करना है, आप लोग ये नहीं है कि इसके द्वारा आप लोग ममीज बनाने लग जाओ, आपके घर में मम्मी है वही ठीक है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल एंड द गैस इन द मोल्टन स्टेट बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हम इसका उपयोग करके है ना मोल्टन स्टेट में मेटल और गैस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये दीस थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आई हैव टेकन हियर, ठीक है, एज अ यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो आज आप लोगों ने कॉमन सॉल्ट के बारे में जाना। मैंने अपने लास्ट वीडियोस जो है वो तकरीबन एक मंथ पहले दिया था, इस बीच में क्या हुआ कि मेरा स्वास्थ्य बिगड़ जाने की वजह से मैं आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर सका, बट नाउ आई एम फीलिंग वेरी मच वेल, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, एंड नाउ आई एम बैक अगेन। और अब आप लोगों को मैं लगातार कंटिन्यूअसली जो है वो आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, इन माय अपकमिंग वीडियो यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं आपको अपने अगले चैप्टर में इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको, ये लास्ट वाला मैंने मेंशन किया है ना, मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल एंड द गैस इन द मोल्टन स्टेट बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इन इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से हम लोग किस तरह से इन सभी का फॉर्मेशन करेंगे, इसके यूजेस किस तरह से होंगे, ये मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विषय में। सो एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से दैट इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि इमीडिएटली जब मैं आपको तुरंत जब वीडियो प्रोवाइड करूं तो तुरंत आपके, ठीक है, पास चला जाए और आप उसे बेनिफिट ले सकते हो। और जो स्टूडेंट्स जो पहले से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो मेरे वीडियोस को स्टार्टिंग से लेकर के टिल एंड तक प्रॉपर्ली वॉच करें, स्किप नहीं करें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, रिमेन हेल्दी एंड फिट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।